हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि इन फिगर 6.13 दिया है, लाइन ए बी, ध्यान दीजिएगा, लाइन ए बी एंड सी डी एंड ए सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइनें ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर, ठीक। यदि इफ यानी यदि एंगल ए ओ सी, देखिए कैसे एंगल बनाते हैं, जैसे बोला वैसे, ए ओ सी, ए ओ सी मतलब किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल फर्स्ट, ठीक। एंगल ए ओ सी प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस एंगल बी ओ ई, तो बी ओ ई, बी ओ ई मतलब इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पर इसको मान लेते हैं एंगल थ्री। ये एंगल वन था, एंगल थ्री, ठीक। चलिए इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 70 डिग्री, ठीक। मतलब ये दोनों ऐड करेंगे इस एंगल को तो हमारा 70 आ रहा है, ठीक। उसके बाद एंड एंगल बी ओ डी, ठीक। बी ओ डी मतलब क्या है, देखिए बी ओ डी, ठीक। ये एंगल की बात करें, ये इस एंगल का वैल्यू कितना दिया है, इसको एंगल फोर ले लेते हैं। तो एंगल फोर का जो वैल्यू है यानी एंगल बी ओ डी का 40 दिया है। उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, ठीक। इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक, हमको इस एंगल को फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, किस एंगल का, सी ओ ई, सी ओ ई, और इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ठीक। अब आइए हम लिखते हैं जो भी हमको लिखना है। तो सबसे पहले हमको गिवेन लिखने रहता है, गिवेन, गिवेन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटे छोटे शब्दों में आपको बता दूंगा, बहुत आसान तरीके में। क्या दिया गिवेन में, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना दे दिया है, 70, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इस एंगल को, इस एंगल को प्लस किए तो हमारा कितना है, 70, ठीक। चलिए अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो दोनों लाइनें का जो एंगल होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। कैसे, समझिएगा, दिया है एंगल, ये भी दिया है कि मैंने बी ओ डी इजकल टू 40, ठीक, डिग्री, मतलब एंगल फोर का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई दो लाइनें हैं इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो इक्वल होगा ना, ये इसका इक्वल होगा, ठीक। इसका जो एंगल होगा, वैल्यू ऑफ एंगल जो भी होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक। मतलब इसका इसके इक्वल होगा और इसका इसके इक्वल होगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल होता है, ठीक। तो वैसे देखिए एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल वन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी, ठीक, हियर, ठीक, एंगल बी ओ डी इजकल टू क्या जाएगा आपका, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हो जाएगा, ठीक। तो एंगल बी ओ डी कितना दे दिया है आपको, 40 डिग्री, ठीक दे दिया है। तो एक ए ओ सी क्या भी हो जाएगा आपका, 40 डिग्री, ठीक। अब आपको मिल गया एक चीज़, एंगल वन, एंगल वन मतलब क्या, एंगल ए ओ सी का वैल्यू आपको 40 डिग्री मिल गया, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इजकल टू 40 डिग्री, ठीक। अब आइए अब अपन क्वेश्चन पर समझते हैं। अब फाइंड में हमको क्या बोल रहा है, एंगल बी ओ ई, ठीक, यहाँ तक तो हमको मिल गया, मतलब ये गिवेन था दोनों, और गिवेन के थ्रू हम इस वैल्यू को फाइंड कर लिए, वैल्यू क्या है, एंगल ए ओ सी को हमने फाइंड कर लिया, ठीक, किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। वर्टिकली अपोजिट एंगल वहाँ अप्लाई होता है जहाँ टू स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, जैसे सी डी एंड ए बी आपस में इंटरसेक्ट कर लिया है, इसके थ्रू एंगल ए और एंगल, मतलब एंगल वन और एंगल फोर आपस में इक्वल हुआ, ठीक।
चलिए अब हम फाइंड में आते हैं। तो फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई, ठीक, टू फाइंड में, टू फाइंड एंगल बी ओ ई, ठीक, हमको फाइंड करना है। तो हम पहले आइए देखते हैं बी ओ ई क्या है। बी ओ ई मतलब हमको एंगल थ्री नंबर को फाइंड करना है, ठीक। चलिए फाइंड करते हैं एंगल बी ओ ई। तो हमने ऊपर जस्ट अभी पढ़ा था, यानी गिवन में लिखा था कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है, 70 डिग्री के इक्वल है, ठीक। आप लिखिए इस चीज़ को, ये क्या आपका इक्वेशन वन रहा, तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री, ठीक, 70 डिग्री लिखा। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या निकाला, ए ओ सी का मतलब एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री अब यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिल चुका है, ये इक्वेशन फर्स्ट में हम इस डिग्री को पुट करेंगे। तो पुट कीजिए, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री, ठीक। तो एंगल बी ओ ई इजकल टू हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 इजकल टू 30 डिग्री, मतलब आपका जो एंगल बी ओ ई होगा, एंगल बी ओ ई यानी एंगल थ्री कितना होगा, 30 डिग्री। हमने फाइंड कर लिया, आप लिख सकते हैं कि आपका यही आंसर हो जाएगा, मतलब एंगल बी ओ ई इजकल टू 30 डिग्री, ठीक। एक और चीज़ देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है, ऊपर क्या बोला है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री। मान लीजिए एक और तीन मतलब एंगल वन और एंगल थ्री का सम कितना है, 70 डिग्री है, जिसमें एंगल वन कितना है, 40, एंगल वन 40 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 30 ही ना बचेगा, ठीक। यही माइंडेड क्वेश्चन है, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हो गया, मतलब बी ओ ई कितना है आपका, 30 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमको नेक्स्ट कुछ पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स होता क्या है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने की रिफ्लेक्स फाइंड करने से पहले हमको पहले इस एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम एंगल फाइंड करते हैं, एंगल मतलब टू फाइंड में, टू फाइंड एंगल सी ओ ई, ठीक। तो एंगल सी ओ ई कहाँ पास है, ध्यान दीजिएगा, एंगल सी ओ ई यहाँ पास है। आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, पढ़ा होगा कहीं, ठीक। मतलब अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक, उसका जो वैल्यू होता है यानी डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल वन प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस थ्री, मतलब एंगल थ्री इजकल टू 180 डिग्री, मतलब आप लिख सकते हैं हियर, या आप बोल सकते हैं सम ऑफ एंगल इजकल टू 30 डिग्री। तो आप एंगल वन, ठीक, प्लस, ठीक, एंगल वन प्लस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम क्या ले लेंगे, यही रिफ्लेक्स एंगल, एंगल सी ओ ई प्लस, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल थ्री इजकल टू 180 हमने ले लिया, ठीक। वही चीज़ है, आप ये एंगल वन लिखिए, चाहे आप एंगल ए ओ सी लिखिए, चाहे थ्री की जगह पे यानी एंगल थ्री की जगह पे बी ओ ई लिखिए। मैंने एंगल न्यूमेरिकल में इसलिए लिखा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो आइए पुट करते हैं, ठीक। तो एंगल वन का वैल्यू कितना है, एंगल वन का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री। कैसे हुआ, ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी वन में है, माना वन का वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ, 40 डिग्री, ठीक। ये 40 डिग्री है, ठीक, तो ये भी 40 डिग्री हुआ, और ये कितना आया था हमारा, 30 डिग्री, ठीक। तो मतलब हम 40 प्लस 30 प्लस इसको करेंगे, तो आ जाएगा एंगल वन कितना है, 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल थ्री कितना है, 30 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। अब इधर साइड भेजेंगे, ठीक, तो एंगल सी ओ ई इजकल टू हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 70, ठीक, आएगा 70, तो 70 इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस रहा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस, ठीक। तो एंगल सी ओ ई आपका हो जाएगा, माइनस के करेंगे जब आपका, तो आपको हो जाएगा
110 मतलब 110, ठीक है, आपका डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल सी ओ ई का जो वैल्यू आएगा 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हमको पूछना बताना क्या रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछे, इस एंगल का पूछा है, कोई भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो उस एंगल का वैल्यू जो होता है उसको 360 से माइनस कर दिया जाता है। देखिए कैसे हमको क्या निकल आ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक निकालना है। तो पहले इसका वैल्यू कितना है, सी ओ ई का जो वैल्यू है हमने अभी लाया था, एंगल सी ओ ई का वैल्यू कितना लाया था, 110। ठीक, 110 लाया था, आप 110 लिखिए। ठीक, रिफ्लेक्स बोला है, रिफ्लेक्स का मतलब समझिए, इसको छोड़कर और बात करें इस क्वेश्चन में छोड़कर ये बाकी के जो एंगल बचेगा वो कितना होगा, मतलब समझिए, देखियो जो इधर साइड का जो एंगल होगा उसको पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। मतलब आप बता सकते हैं, मतलब 360 से माइनस कर दीजिए सीधे सीधे बात, क्योंकि कोई भी सर्कल का जो होता है और बात करें तो वो 360 डिग्री होता है। ठीक, तो माइनस कर दीजिए 360 डिग्री से, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस 110, तो आपका आ जाएगा एंगल सी ओ ई इक्वल टू, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 250 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, मतलब आपका जो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई होगा 250 डिग्री होगा। ठीक, ये आपका आंसर हुआ, क्वेश्चन हमने कर दिया। जैसे एंगल बी ओ ई का आंसर कितना आ गया, आपका बी ओ ई का 30 डिग्री, और इसका आ गया रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का 250 डिग्री, बस यही आपका आंसर है, ऐसे ही करना है। चलिए थैंक यू, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।